दोस्तों एनएसपी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रफीक। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मॉक ट्रांजेक्शन की सहायता से रोटेटिंग प्रेजेंटेशन तैयार करना। जैसे ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसको हमने कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाया है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने जो दिखाया है कि यहाँ पर एक बिजनेस का मॉडल हमने तैयार किया है, जिसमें हमने अपने एम्प्लॉय को दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कस्टमर है उसको दिखाया है। उसके बाद इसमें जो हमारा सप्लायर है उसको दिखाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा इन्वेस्टर है उसको देखा है। यार एक बिजनेस के मॉडल में या बिजनेस को चलाने के लिए जिस जिस चीज़ का जरूरत पड़ता है उसको हमने इस प्रेजेंटेशन में दिखाया है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने जो प्रेजेंटेशन अभी दिखाया है उस प्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पर कंप्लीट तैयार किया है। तो हमें क्या करना है, तो इसी प्रेजेंटेशन को तैयार नहीं करना है, हम न्यू प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें चले आना फाइल पे, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन है इसको ले लेते हैं। उसके बाद चले आना है लेआउट में और यहाँ से हम कर देंगे ब्लैंक, इसके लेआउट को चेंज कर लेंगे। जो भी डाटा लोग रहता है वो यहाँ से हट जाएगा। हटने के बाद हम चले जाते हैं ये जो हमारा पहला स्लाइड है, इसमें से ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कॉपी करके लेकर चले जाते हैं हम तो अपना जो नया वाला स्लाइड है ये प्रेजेंटेशन है इसमें। तो देखिए हमने इसमें लेकर के आ गया। आने के बाद जब हमें क्या करना है, इसमें अपना जो इफेक्ट है वो डालना है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसको हमने तैयार कैसे किया है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। हम आपको बना करके दिखाते हैं इसको हमने डिजाइन कैसे किया है। तो देख सकते हैं ये भी एक है, तो इसको भी जाते हैं और यहाँ से ग्रुप में जाने का इसको भी हम अनग्रुप कर देते हैं और देखेंगे इस तरह से हमने जो ये डिश तैयार किया है। तो इस डिश को आप भी कैसे तैयार कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें चले आना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद चले जाएंगे ये शेप, शेप में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओवल जो एलिप्स है जिसको हम सर्कल बोलते हैं उसको लेना है और कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करेंगे एक जो इक्वल साइज में, ये इस तरह से हमारा जो ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो भी कलर वगैरह फिल करना हो से फिल पे जाएंगे, यहाँ से जो भी रेड ब्लू ग्रीन जो भी कलर फिल करना है वो कलर आप ले सकते हैं। जैसे हमने जो है रेड ही ले लिया, जैसे रेड इसी को ले लेते हैं। लेने के बाद इसके आउटलाइन को यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। उसके बाद इसी में राइट बटन क्लिक करना है और चले आना है यहाँ पर फॉर्मेट शेप में। फॉर्मेट शेप में जो ही जाएंगे तो देखेंगे राइट साइड में जो है फॉर्मेट शेप का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो इफेक्ट ऑप्शन है इसमें चले आना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे 3D फॉर्मेट है, 3D रोटेशन है। तो सबसे पहले हमें चले जाना है 3D रोटेशन में। यहाँ पर रहेगा प्रीसेट, प्रीसेट में जाने का जाएंगे यहाँ पर देखेंगे ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पैरेलल जो है इस पे जाना है। इसमें जाने का यहाँ पर देखेंगे ये है आपका ऑफ एक्सिस वन टॉप, इस पे जाना ये वाला इफेक्ट ले लेंगे। लेने के बाद अब हमें क्या करना है, चले जाना है 3D फॉर्मेट में। 3D फॉर्मेट में जाएंगे जो ही तो देखेंगे इस तरह से 3D फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है डिप, डिप के साइज को जितना यहाँ पर देख सकते हैं 0 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे अराउंड हम 15 और 17 हम ले लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे इस पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे, जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से उसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम 17 ले लेते हैं, देखेंगे। तो इस तरह से तैयार हो गया। होने के बाद हमें क्या करना है, तो उसके बीच में जो देख सकते हैं व्हाइट टाइप का दिया है तो यहाँ पर भी देना है। तो यहाँ पर जाने के लिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे, यहाँ से हम एक शेप को जो है फिर उसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें जो भी कलर वगैरह फिल करना हो ले सकते हैं। जैसे हम व्हाइट कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ से ये 3D जो है ना इसमें जाने का सेम इफेक्ट ले लेंगे यहाँ से और उसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। देखें इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। उसी चीज को आप यहाँ पर जाएंगे तो ये जो देख रहे हैं इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर जाएंगे हम यहाँ 3D फॉर्मेट पे और उसके बाद चले 3D रोटेशन पे। 3D रोटेशन पे जाएंगे तो यहाँ से भी उस चीज को आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने तैयार कर दिया। उसके बाद क्या है, इसको सेलेक्ट करना, करने के बाद यहाँ से जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। देखेंगे ये ग्रुप हो जाएगा। ये वाला पिक्चर को हमने क्या किया, इसको ऊपर लेकर के आ गया, देखेंगे पीछे जा रहा है तो फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पर ले लेंगे ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। देखेंगे उसके आगे आ जाएगा इस तरह से। फिर से हमने दोनों को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ग्रुप कर देना है, देखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने सभी को यहाँ पर तैयार किया। तो चलिए फिलहाल हम सभी को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं और दोबारा हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखेंगे इस तरह से हमने ले लिया। अब लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इफेक्ट है हमें सबसे पहले जो राउंडेड इफेक्ट है वो तैयार करना है। तो उसके लिए चले देखेंगे यहाँ पर ले लिया। उसके बाद हम फिर से डुप्लीकेट जो है स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो जाएगा। होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर हम लेकर के आ जाएंगे अपना टेक्स्ट। तो देखिए इंसर्ट पे जाना है, वोडाट पे जाएंगे, यहाँ पर लेते हैं कोई भी टेक्स्ट का फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं वोडाट का। यहाँ से जाएंगे, चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं टाइटल 1 दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दे देंगे
जैसे योर टेक्स्ट, यानी आपको जो भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं उसके, हम लेफ्ट ले लेते हैं इस तरह से। चलिए, तो हमने जो क्या कर दिया यहाँ पर देखेंगे, सेट कर दिया, ये हमने दे दिया टाइटल वन। उसके अलावा फ़ॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, हमने फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा कर दिया, और ये जो टाइटल वन है इसके कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे हम तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे ग्रीन है तो हमने ग्रीन ले लिया। अब लेने के बाद हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर जो है ना डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे, स्लाइड कंट्रोल डी प्रेस करके देखेंगे यहाँ पर दूसरा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, सबसे पहला जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा इधर रिमूव कर लेते हैं, उसको यहाँ रोटेट करके लेकर के आ जाते हैं, उसके अलावा इसको यहाँ लेकर के आ जाते हैं, और ये जो है दूसरा वाला यहाँ लेकर के आ जाते हैं, और ये जो इसको रिमूव किया सबसे ऊपर। अब देखेंगे क्या हुआ, पहले ये वाला यहाँ था तो ये यहाँ आ गया, उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट था ये वाला यहाँ आ गया, फिर ये वाला ये, और ये वाला नीचे आ गया। चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं ये टेक्स्ट है ना, इसको हम जो है ऐसे रिमूव करते हुए लेकर के आ जाएंगे अपने जो ये जो स्लाइड है ना इससे बाहर, ताकि वो टेक्स्ट दिखना नहीं चाहिए, देख लेकर के आ गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है दूसरा टाइटल को, तो इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे जाएंगे, फिर से ले लेंगे, और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टाइटल टू, उसके यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर टाइप कर देते हैं योर टेक्स्ट, हमने जो है टाइप कर दिया। उसके बाद इसको हम जो है नीचे लेकर के आ जाते हैं, ये वाला वर्ड आर्ट को जाएंगे, यहाँ हमने नीचे लेकर के आ गया, ठीक है, जाएंगे सेलेक्ट कर लेंगे, सबको लेफ्ट साइड में कर देना है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट के साइज को जो है उसको भी आप थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम टाइटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं टेक्स्ट का कलर, ये येलो कलर है, दे देते हैं डार्क येलो में, और उसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, देखेंगे ये आ गया दूसरा। चलिए, अब हमें क्या करना, ये टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा, इसको और भी हम अंदर लेकर के चले जाते हैं इस तरह से। फिर से हमें क्या करना है, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना है, देखेंगे ये जो डुप्लीकेट बन गया। अब हमारा क्या था, देखेंगे पहला वाला में जो है, देखेंगे यहाँ पर ये था, दूसरा वाला में जो देख सकते हैं ये आ गया, हम जाएंगे तीसरा वाला में, तीसरा वाले इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर रिमूव कर लेते हैं, इसको हम यहाँ ले लेंगे, और ये वाले को जो हम यहाँ लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, और ये वाले को हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, उसका ये वाला जो है इसको ऊपर यहाँ लेकर के आ जाएंगे, और ये जो हमारा टाइटल दिया हुआ है इस टाइटल को हम, यहाँ दूसरा वाला टाइटल है इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, अपने स्लाइड से बाहर रखेंगे, इसको डिलीट नहीं करना, बस रिमूव कर देना है जिस साइड में भी आपने स्लाइड को, टेक्स्ट को आपको जो स्लाइड के रूप में दिखाना हो, राइट साइड में दिखाना है तो राइट साइड में दे सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड में दिखाना है तो लेफ्ट साइड में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो अपने स्लाइड में जो जितने भी टेक्स्ट यानी टाइटल दिए हुए, हमें क्या करना है, जो ही हमारा स्लाइड रन हो हम दिखाना चाहते हैं राइट से लेफ्ट की ओर रन करते हुए, तो इसलिए हमने सभी को लेफ्ट की ओर रिमूव करते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तीसरा जो टाइटल है वो देना है, इंसर्ट पे जाना है, वर्ड आर्ट पे जाना है, यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ पर दे देंगे हम टाइटल थ्री, देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर दे दिया टाइटल थ्री। उसके बाद यहाँ पर जो है हम दे देते हैं योर टेक्स्ट, हमने जो है टाइप कर दिया इस तरह से। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम लेफ्ट ले लेते हैं, और यहाँ से वर्ड आर्ट को जो नीचे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से फोन के साइज को कम ज्यादा जो भी करना हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, इसका टेक्स्ट कलर जो है हम दे देते हैं यहाँ से ब्लू, ये हमने जो है ब्लू कलर दे दिया यहाँ पर, देखेंगे इस तरह से। ये हमारा जो तीसरा हो गया, अब हमारा लास्ट यानी चौथा है। तो चलिए हम जाएंगे फिर से, हमें डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर लेना है कंट्रोल डी बटन प्रेस करके, देखेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो जाएगा। होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टेक्स्ट को जो रिमूव करते हुए लेकर के चले आएंगे, अपना स्लाइड से आउट कर देंगे इसको, देखेंगे इधर लेकर के आ गए। अब हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा इधर रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ लेकर के आ जाते हैं, इसको यहाँ लेकर के आ जाएंगे, देखेंगे इस तरह से। उसके बाद उसको हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, फिर से इसको हम यहाँ लेकर के आ जाएंगे, देखेंगे हमने चार ऑब्जेक्ट जो है कर लिया। उसके बाद हमारा क्या करना है, यहाँ पर टाइटल फोर है, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे ये दे देंगे हम यहाँ से टाइटल फोर, हमने दे दिया। उसके बाद दे देंगे यहाँ से जो है ना, फिर हम टाइप कर देते हैं योर टेक्स्ट, फिर हमने टाइप कर दिया आते हैं। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से जो है टेक्स्ट है इसको इधर लेकर के आ जाते हैं नीचे। उसके अलावा फॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा जो भी करना हो वो चीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से जो टाइटल का कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, ये रेड ले लेते हैं, देखेंगे इस तरह से हमने जो है यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे पहला वाला है, दूसरा वाला में देख सकते हैं यहाँ पर ये है, दूसरा और तीसरा वाला में देख सकते हैं सप्लायर आ गया, चौथा वाला में देखेंगे देखेंगे ये आ गया, पांचवा वाला में। अब हमें क्या करना, यहाँ पर अपना जो है ट्रांजेक्शन को
अप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहला वाला स्लाइड को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की प्रेस करना है और लास्ट में क्लिक कर देना है। ये सभी के सभी हमारा जो स्लाइड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चले जाना ट्रांजेक्शन में, उसके बाद यहाँ पर हम सिर्फ अप्लाई करेंगे, मोस्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है। और सबसे पहला वाला स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे, रन करा देंगे। अब देखेंगे जो ही हम रन कराएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्लाइड है, देखेंगे सबसे पहला टाइटल वन आ गया, जाएंगे दूसरा वाला देखते हैं रोटेट करते हुए इस तरह से आ गया टाइटल टू, अब जाएंगे ये आ गया टाइटल थ्री और जाएंगे ये आ गया टाइटल फोर। तो इस तरह से आप भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मोस्ट ट्रांजेक्शन की सहायता से रोटेटिंग प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए या फिर अपना जो इंस्टीट्यूट के लिए या फिर आपको किसी तरह का प्रेजेंटेशन दिखाना हो तो इस तरह का प्रेजेंटेशन आप भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।